हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ वंडरलस्ट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मनाली के बारे में। तो अगर आपने प्लान किया है मनाली जाने का, या फिर आप कभी भी मनाली विजिट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाई इज़ मनाली फेमस फॉर? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एडवेंचरस एक्टिविटीज़? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये मनाली जो फेमस है, इसकी टॉप लिस्ट में आता है हिडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। ये घटोत्कच की ममा और भीम की पत्नी का मंदिर है, और इसको माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में भी बात करूँगी, साथ ही कुछ मनाली के ऐसे अनसीन स्पॉट्स के बारे में भी बात करूँगी जो आपसे शायद छूट गए हों इससे पहले, या फिर अगर आप वहाँ पर विजिट कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करने ताज़ा अपडेट्स के लिए, साथ ही लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए बता देती हूँ मैं मनाली क्यों फेमस है और बेस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली क्या होने वाली हैं। साथ ही मनाली का वेदर, टेम्परेचर, बैकपैकिंग, एवरीथिंग यहाँ मिलने वाला है आपको। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मस्ती है, फन है, एडवेंचर है, साथ ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट मनाली, बिकॉज एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए तो लोग जाते ही हैं। साथ ही ये जो मनाली है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, और इसकी माइथोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऋग्वेद से लेकर के मनुस्मृति तक की बात हम करने वाले हैं। तो इस मनाली के एपिसोड को आप मिस बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ ही नहीं, आपको फुल डिटेल मिलने वाली है। साथ ही आपको इसकी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी हिस्ट्री, इसकी ब्यूटी और इसकी एक्टिविटीज़, एवरीथिंग मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस एपिसोड में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, वंडरलस्ट पे शुरू करते हैं। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है मनाली पहुँचना कैसे है, मनाली के लिए कौन कौन सी जगह से आप बस से या बाय एयर जा सकते हैं। तो मनाली जाने के लिए दिल्ली या फिर चंडीगढ़, दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, और आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं बाय एयर भी और बाय कार भी। पर बाय एयर अगर आप जाना चाहते तो चंडीगढ़ के बाद आपको बाय कार या फिर बाय बस ही जाना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको एक अच्छी सी बस के लिए, जो आप कोई भी वॉल्वो ले सकते, डीलक्स, सेमी डीलक्स, हर तरह की आपको बसेस मिल जाती हैं, जो आपको दिल्ली ISBT से मिल जाएंगी, और आपको चंडीगढ़ में भी बसेस का ऑप्शन बेहतरीन मिल सकता है। तो आप बाय एयर की बजाय बाय बस जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं तो भी मनाली तक के लिए ये जो रूट है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, बिकॉज मंडी तक जो एक 4-lane एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आप उससे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ड्राइविंग का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि अभी मनाली की जो रोड है वो बिल्कुल ख़राब नहीं है, तो आप वहाँ पर ड्राइव करके ईजिली पहुँच सकते हैं। साथ ही इनके रेट क्या होने वाले हैं, बजट क्या होने वाला है, ये सब पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली कहाँ है और कैसा है। मनाली इज अ हाई एटीट्यूड हिमालयन रिसोर्ट टाउन इन इंडियाज नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश स्टेट। इट हैज़ अ रेपुटेशन एज अ बैकपैकिंग सेंटर एंड हनीमून डेस्टिनेशन। सेट ऑन ब्यास रिवर, इट्स अ गेटवे ऑफ स्कीइंग इन द सोलांग वैली एंड ट्रैकिंग इन द पार्वती वैली। अगर आपको नहीं पता कि इन विच मंथ मनाली इज़ द बेस्ट फॉर, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी दिसंबर से लेकर मिड फेब तक आप मनाली को विजिट कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है मनाली विजिट करने के लिए, क्योंकि स्कीइंग वगैरह के ऑप्शंस इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसानी से और अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भयंकर बर्फबारी होती है और सफ़ेद चादर जो बर्फ़ की ढक जाती है वो मनाली को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। साथ ही आप सोलांग वैली के रोपवे के बारे में, मनाली के रास्तों के बारे में, मनाली के जैम्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि मनाली में ट्रैफिक जाम बिल्कुल आम है। और साथ ही मैं बात करूंगी सोलांग वैली एंड रोहतांग पास के बारे में। रोहतांग पास सर्दियों में बंद कर दिया जाता है भारी बर्फबारी की वजह से, लेकिन ये गर्मियों में खोलते हैं टूरिस्ट के आने जाने के लिए, इसे यूज़ करते हैं। लाहौल स्पीति की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस पास का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा होता है और आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि दिल्ली वाले अपनी गाड़ियों में जाम लेकर तो चलते ही हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि शायद सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो हम दिल्ली वाले तो जाम के आदी हैं, पर अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो आपको शायद ट्रैफिक जाम से थोड़ी परेशानी हो जाए। मनाली जाने के बाद आप वहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि मनाली जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि मनाली पहुंचने के बाद आपको करना क्या क्या है और आपको मनाली में कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है,
तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मनाली में करनी ही चाहिए, बेस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली, जिसमें सबसे पहले आता है हिडिंबा देवी टेम्पल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और ये मंदिर माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। यह मंदिर देवदार से घिरा हुआ है, विच मेक्स इट अ वेलकमिंग रिसोर्ट टू एनीवन हु वांट टू सिट इन द लैप ऑफ नेचर एंड रिलिश सम ट्रैंक्विलिटी। तो आप इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ स्पेशल एट मनाली, तो मनु टेंपल है ओल्ड मनाली में जो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज दिस टेम्पल इज़ डिवोटेड टू ऋषि मनु हु सेज और कोडिफाइड द हिंदू लॉज इन द बुक ऑफ मनुस्मृति। और टेम्पल ऑफ मनु इज रेयर इन द कंट्री एंड मनाली का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो इसकी डिस्टेंस है 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। इसे आप लाहौल स्पीति जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं, आप नेहरू कुंड को विजिट कर सकते हैं जो रोहतांग के रास्ते में ही है, 5 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। इट्स अ लिटिल स्प्रिंग फेड बाय द सेक्रेट वाटर फ्रॉम द भृगु लेक। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के शौकीन हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 2 किलोमीटर अप्रॉक्स मनाली से। और यहां पर घने जंगलों से घिरा हुआ एकदम अंधेरा सा रास्ता है जो आपको डुंगरी मंदिर से होते हुए गलान थाश तक लेके जाएगा। और यहां आपको मिलेगा मस्क बियर यानी कस्तूरी मृग, आपको ब्राउन बेयर देखने को मिल सकता है, ब्लू शीप मिलेंगी और आपको आइबेक्स मिलेंगे, स्नो लेपर्ड मिलेंगे। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर विजिट करें। साथ ही यहाँ पर देवदार, कैल और मैपल के बहुत ही घने जंगल हैं, आप वहाँ पर ट्रैकिंग का भी मज़ा थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा एक मस्ट विजिट प्लेस बनती है मनाली गोम्पा। मनाली गोम्पा क्लोज टू मॉल, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री है, दिस ग्रीट्स यू विद द ब्राइट कलर्स, अ लार्ज बुद्धा स्टैच्यू एट द एंट्रेंस, कलरफुल म्यूरल्स। और यह मॉन्स्ट्री 1960s में बनाई गई थी। अगर अभी भी आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप भृगु लेक जा सकते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसमें बात लेना बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और आप वशिष्ठ गांव जा सकते हैं, हु फाइंड मेंशन इन द ऋग्वेदा। अपार्ट फ्रॉम दिस टेंपल, अ हॉट वाटर स्प्रिंग बाथ मेक्स स्मॉल विलेज वर्थ टू विजिट। तो आप वशिष्ठ गांव जरूर जाएं। और सोलांग वैली तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ये मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, चारों ओर से ऊंची चोटियों के बीच में देवदार से घिरा हुआ है, ढलान वाला घास का मैदान है जहां सर्दियों में बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। अगर आपको मनाली में कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप यहां पर बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां पर क्वाड बाइक कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, गोंडोला कर सकते हैं, रॉक क्वालिफाइंग कर सकते हैं, बैलूनिंग कर सकते हैं और साथ के साथ आप कैंपिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, एस्पेक्ट ऑफ शिमला, कुफरी, मनाली, तो मैं सब कुछ अगले एपिसोड में बताने वाली हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।